हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम हेयर एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और गाइस, ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप CSS के अंदर आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। तो पहले गाइस, हमने बॉर्डर का यूज किया है, अब आउटलाइन का यूज करेंगे। गाइस, दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उसमें जो है ऑलमोस्ट सेम सेम है, काफी सारी सिमिलरिटीज है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए हमने पी लगाया है, तो यहाँ पे जो है पी के ऊपर ही गाइस देखिए, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो है हमको नहीं यूज करना है, ठीक है। गाइस, अभी रन पे देखते हैं, तो अभी देखते हैं आप यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखो, प्लीज लाइक कमेंटेशन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। तो गाइस, अब जो हम इस पर थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक साइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है डोमेन रेसर। और गाइस, अगर आप एक अच्छी वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको काफी टाइप की होस्टिंग मिलती है, जैसे वेब होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, VPS होस्टिंग। अगर गाइस मैं आपको रीसेलर होस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे उसमें भी आपको अनलिमिटेड लिनक्स cPanel रीसेलर और WHMCS रीसेलर, ये सब जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। और गाइस, अगर रीसेलिंग होस्टिंग की भी प्राइस की हम बात करें तो वो भी गाइस इस पे जो है चीपेस्ट प्राइस में जो है आपको रीसेल होस्टिंग मिल जाएगी। और गाइस देखिए, सिर्फ ₹250 पर मंथ में आपको मिनी प्लान मिलता है जिसमें आपको 12 cPanel अकाउंट मिलते हैं, यानी कि ₹250 में आप जो है यहाँ पे होस्टिंग खरीद के उसको 12 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं cPanel में, और आप उसका जो है काफी अच्छा खासा चार्ज ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे अर्निंग करनी है तो गाइस आप ऐसे अर्निंग करनी है, क्योंकि काफी कम प्राइस में जो है आपको जो है इतना ज्यादा जो है फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको इसके लिए ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा, और ये सब कुछ जो है गाइस आपको मिल जाएगा डोमेन रेसर पे। तो गाइस, डोमेन रेसर जो है जरूर आप ट्राई कीजिए, अगर आप एक अच्छी रीसेल सेलर होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो इस साइट को जो है आप डेफिनेटली जो है ट्राई कीजिए। एंड थोड़ा दो गाइस, पहले तो मैं इसकी फंड साइज थोड़ी बढ़ा लूँ, ठीक है। फंड साइज पी गाइस, जो हमारा पी है उसकी थोड़ी फंड साइज मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो पी करते हैं, ठीक है। एंड देन फॉन्ट साइज के लिए आपको मालूम है क्या कहते हैं हम, फॉन्ट साइज, ठीक है। उसके बाद में गाइस इसको जो है पिक्सल कर देते हैं, लाइक मे बी 30-20 पिक्सल माइट बी गुड, बिकॉज अभी जो है 3 है 2 है, तो फिर ठीक है। एंड लेट्स सी, लेट्स रन, ठीक है। हमेशा डेमो पे जाके रन करना है इसको, HTML पे जाके, ठीक है। तो गाइस, अब गाइस हम इसमें जो है बोर्ड आउटलाइन डालेंगे, ठीक है। तो गाइस बहुत ईजी है, यहाँ पे जो इसी तरह लिखना है आपको आउटलाइन। तो गाइस आप आउटलाइन अलग अलग टाइप के, तो स्टाइल में देखिए गाइस, जो हमने बॉर्डर्स में स्टाइल की थी उसी टाइप की सारी स्टाइल है ये, जैसे हिडन है जो हिडन रे, इनिशियल है, नन है, अनसेट है, ग्रू गाइस मेरी फेवरेट है। एंड इसमें जो है अब हम ये देखते हैं आउटलाइन में, जहाँ पे आउटलाइन की है, एंड इसका जो है कलर भी दे देते हैं आउटलाइन के, क्योंकि आउटलाइन का गाइस कलर होना जो है वो भी आपको जो है चाहिए, आई मीन आपको जो अच्छा आउटलाइन का कलर चाहिए, उसके लिए आपको मालूम है कि बस आउटलाइन लिखना है और कलर लिखना है, ठीक है। गाइस ये सब कुछ बहुत इजी है, ठीक है ना। वैसे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन एनीवे मेजेंटा कलर गाइस यूज करते हैं आउटलाइन कलर के लिए, इससे अच्छा कलर है ये, ठीक है। एंड ताकि दिखे मेरे को, आपको जो दिखे ऐसे कलर जो है मेरे को यूज करना है, ठीक है। तो शायद ये अच्छा दिखेगा, देखिए अच्छा लग रहा है, ठीक है। ग्रू थी हमने उसको जो स्टाइल दी थी, ठीक है। अब गाइस हम इसको ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा जो है ना साइज जो है हम इसके बढ़ा लेते हैं, ठीक है। किसकी, बॉर्डर की, ठीक है। बॉर्डर की विथ आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए क्या बढ़ानी पड़ेगी, बॉर्डर की विथ, ठीक है, विथ, ठीक है। तो बॉर्डर की विथ जो हमने बढ़ाई है, बॉर्डर की नहीं गाइस आउटलाइन की, क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आउटलाइन बॉर्डर एक जैसी चीजें लगती है, ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन विथ, ठीक है, आउटलाइन विथ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं मे बी 10 पिक्सल, ठीक है। आई थिंक 10 पिक्सल जो है सही रहेगा, ठीक है। तो अब जो है रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये जो है आउटलाइन हो चुकी है गाइस। हम वैसा भी कर सकते हैं, अब आउटलाइन दे दीजिए गाइस, एक कलर की हम बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों में जो है आपको डिफरेंस लगे, ठीक है ना, कि दोनों जो है आप अलग अलग तरीके से काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने दिया है ना, ठीक है, जैसे हमने ये दे दिया है, ठीक है, आउटलाइन। तो आउटलाइन को गाइस सिर्फ जो है मैं चेंज करूंगा उसका नाम बॉर्डर से, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, यहाँ पे करेंगे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर, इसी वाले जो हम डॉटेड दे देंगे, ठीक है। इसको कलर भी जो है गाइस थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, मैजेंटा की जगह जो है गाइस कौन सा कलर अच्छा लगेगा आप बताइए मुझे, ठीक है। रेड मे बी इट्स फाइन कलर। एंड आउटलाइन बॉर्डर विथ, ठीक है, थोड़ा सा मोटा हुआ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम इसको रन करते हैं, ये देखिए दोनों ही ग्रुप में, तो बॉर्डर जो है हमेशा नीचे आएगा, उसके ऊपर जो हमेशा आउटलाइन जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो बॉर्डर लिख रहे हो तो बॉर्डर की आउटलाइन भी हम बनाते हैं, ठीक है। लाइक होता है ना, तो वो ये आप समझ लीजिए कि बॉर्डर
आपने बनाया है और आपको जो है बॉर्डर की आउटलाइन बनानी है, तो उसके लिए जो गाइज आप जो है ये यूज कर सकते हो, इजी है ठीक है। थोड़ा सा हम उसको जो है डॉटेड लाइन वगैरह कैसे भी बना सकते हैं ठीक है। तो गाइज ये मैं यही बोलूंगा, इसको जो है डेफिनेटली ट्राई कीजिए, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, की वॉचिंग माई वीडियोज। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे लाइक का बटन है, उस पर जो है आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहां पे आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो है आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है मैं बता दूंगा कि जो है आप इसको कैसे कर सकते हो, एक्चुअली मैंने किस चीज के बारे में बताया है। उसके अलावा गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप रेगुलरली जो है हमारी वीडियोस की अपडेट चाहते हैं तो गाइस अपने सब्सक्राइबर का बटन है, रेड बटन है गाइस, और इसको जो रेड बटन को जो है आपको ग्रे कर देना है सब्सक्राइब करके। तो इसके अलावा गाइस, अगर आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो की तो जब आप सब्सक्राइबर के बटन पे क्लिक करोगे वहां पे एक बेल आइकन भी आएगा, उस बेल आइकन पे भी जो है आप क्लिक कर दीजिए तो जब भी हमारे चैनल की वीडियो आएगी आपको इंस्टेंटली जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye for now.